मैं लाइव इसलिए आया हूँ मेरा लाइव आने का फर्ज इतना है कि बॉडी बिल्डिंग में करियर नहीं है ठीक है मौजूद भी कई एथलीट इसको गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं करेक्ट कैसे करो कैसे हो? तो वेलकम बैक व्यूअर्स सब लोग आजकल कंट्रोवर्सी ज्यादा सर्च करते हैं तो फिटनेस इंडस्ट्री तो आजकल जो है बिग बॉस का अड्डा ज्यादा बन गई है तो मैं तो ये कहता हूँ जब तक आग में कोयला डालेंगे नहीं तब तक आग चढ़ेगी नहीं और जब तक फिटनेस इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी डालेंगे नहीं तब तक वो वीडियो चलेगी नहीं तो तभी इज्जत होती होती है जब आप कॉन्ट्रोवर्सी करते हैं तो क्या किसने कहा गलत दूर कर दी राहुल भाई ने उन्होंने क्या कहा था बॉडी बिल्डिंग के लिए और लोगों ने उसके लिए क्या ले लिया तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिए और अनुज तालन भाई ने होली मनाई है गरीब के साथ वो भी वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा

बॉडी बिल्डिंग में करियर के बारे में बात करेंगे हम ठीक है शायद मैं कल वीडियो भी बनाऊंगा यूट्यूब के ऊपर तो तो अगर भाई मे, मेरी बातें आप लोगों को गलत लगी हो उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूँ कि बहुत सारे जो लोग बोल रहे हैं कि भाई डीमोटिवेट हुए मेरी बात से तो मैं पहले बता दू कि मेरा बोलने का पर्पस क्या था बॉडी बिल्डिंग में करियर है मैंने ये नहीं बोला कि बॉडी बिल्डिंग में करियर नहीं है मेरे भाई सबसे पहली चीज मैं एक कोच हूँ और मैं कोच के नज़रिए से दो पहलू होते हैं हर चीज़ के ना एक पहला पहलू होता है कि आपको उसकी पॉजिटिव बातें भी बतानी है और नेगेटिव भी तो मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताई थी लोग लेकिन समझ नहीं पाए उस चीज़ को तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉडी बिल्डिंग में करियर भाई बनेगा कैसे मैं भी दस साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ है ना तो मैं भी यहाँ तक पहुँचाऊँ तो बॉडी बिल्डिंग से पहुंचाऊँ लेकिन ये कैसे पहुँचाऊँ आपको पता है जब आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करो मान लो आप बिगनर हो आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हो ठीक है ना तो आपको स्टार्टिंग से ही जिस दिन आपने फर्स्ट डे है ना आपका बॉडी बिल्डिंग का उस दिन स्टार्टिंग से ही आपको स्किल पे काम करना पड़ेगा आपने सीखना पड़ेगा जैसे कि मैं गुरुजी के पास 2016 में गया और 17 से एक साल में मैंने सारी स्किल गुरुजी से सीख ली धीरे धीरे मैंने कोचिंग स्टार्ट करी ठीक है ये नहीं है कि एकदम से आपने मेडल मारा मान लो आप कॉम्पटिशन खेलने गए फर्स्ट ईयर और आपने मेडल मारा और आपके पास ढेर सारे पैसे बरसने लग जाएंगे किसी भी गेम में आपको पैसा कमाने के लिए टॉप पे जाना पड़ेगा तो टॉप पे आप देखो कोई भी गेम है ठीक है या कोई भी फील्ड है पहले आपको टॉप पे तो जाना ही पड़ेगा चाहे आप बैंक में मैनेजर हो या आप इंजीनियर बनोगे ठीक है या फिर आप आर बनोगे या मैनेजर बनोगे तभी तो पैसा आएगा ना अच्छा पैसा कहाँ से आएगा और उस वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम पाँच से छः साल आपको सर्वाइव करना पड़ेगा तो उस पाँच छः साल सर्वाइव करने के लिए क्या आप अपनी जेब से पैसा लगाते रहोगे नहीं लगा पाओगे ना क्योंकि उतनी अर्निंग होनी चाहिए तो वो पैसा कहाँ से आएगा जब आप स्टार्ट करो तो वहीं से आपको स्किल सीखनी पड़ेगी चार महीने छः महीने साल भर में आप इतने जब आप नॉलेज इकट्ठी कर लोगे अपनी स्किल्स बना लोगे ठीक है ना कोई कोर्स कर लोगे जैसे आप बॉडी बिल्डिंग आप कोर्स भी कर सकते हो फिटनेस रिलेटेड या फिर डाइटिशियन का कोर्स कर सकते हो पर्सनल ट्रेनर का कोर्स कर सकते हो फिर वहां से आप पैसा अर्न करके अपनी बॉडी पर लगा सकते हो है ना और आपको घर से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तब जाके आप पाँच से छः साल सर्वाइव करके आप टॉप पे पहुंचोगे जैसे कि मैं भी पहुंचा और बहुत सारे बॉडी बिल्डर पहुंचे उसके बाद आपके पास ब्रांड आएगी और आप अच्छे से कमा पाओगे तो मेरा मतलब यही था कि बॉडी बिल्डिंग में करियर तभी है जब आप स्टार्टिंग से स्किल पर काम करो आप और अगर आप पाँच साल गेम कर रहे हो ठीक है और आपने कोई स्किल नहीं सीखी तो आप आगे सर्वाइव नहीं कर पाओगे और सबसे बड़ी चीज है कि भाई आजकल नॉलेज ही सब कुछ है नॉलेज की पहले जो गुरुजी वाली प्रथा थी ना वो खत्म हो चुकी है आजकल की जो पब्लिक है आजकल के जो स्टूडेंट्स है वो बहुत स्मार्ट हो गए ठीक है वो सवाल पूछते हैं मेरे भाई तो आपको सीखना पड़ेगा और कोचिंग में करियर तभी होगा जब आपके पास नॉलेज है और जिनके पास नॉलेज नहीं है वो आगे सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो बस मेरा कहने मतलब यही था कि आपको स्टार्टिंग से अपनी स्किल पे काम करना पड़ेगा बॉडी बिल्डिंग के साथ साथ आप गेम करते रहो सप्लीमेंट की शॉप डाल लो छोटा सा जिम डाल लो साइड में या फिटनेस ट्रेनर का कोर्स कर लो ठीक है ना पर्सनल ट्रेनर कोर्स कर लो डाइटिशियन का कोर्स कर लो और धीरे धीरे पैसा कमाते रहो और अपनी बॉडी पर लगाते रहो जब आप पांच साल छह साल मेच्योर हो जाओगे आई बीबी प्रो बन जाओगे है ना आपके पास मेडल आ जाएंगे आपके पास फिर ब्रांड आएंगे और जिस दिन से आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करो पर यूट्यूब के ऊपर मैं भाई <laughs> होली है ना तो ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूं अभी मैं थोड़ा सा कार्डियो करके आया था तो क्या होता है कि YouTube Instagram अपना स्ट्रांग करो अपना कंटेंट बनाना चालू करो जब आपका कंटेंट बनेगा पब्लिक आपसे कनेक्ट होगी जब पब्लिक कनेक्ट होती है मेरा भाई तो वो, वो आपको देखना चालू करेगी एज ए फैमिली वहां से आपके पास ब्रांड आना चालू होंगे किसी की एड आएगी, आएगी आपके पास है ना बहुत सारी एड्स आती है जहां से आप पैसा अर्न कर सकते हो फिर आपके पास बॉडी बिल्डर्स भी आएंगे नए नही, नए क्लाइंट्स भी आएंगे किसी को फैट लॉस करना है किसी को मसल गेन करना है है ना तो वहां से आप पैसा कमा सकते हो लेकिन आप सोचोगे डायरेक्ट आपने गेम करी और आपको गोल्ड मिल गया और आप वहां से आपके करोड़ों रुपये कमाना चालू हो जाएंगे तो ऐसा नहीं है तो भाई मैं ये समझाना चाह रहा था तो बहुत सारे लोग शायद मेरी बात को नेगेटिव ले गए देखो मैं भी एक बॉडी बिल्डर हूँ दस साल हो गए मुझे अब जाके मुझे प्रो कार्ड मिला उसके बाद मेरे पास ब्रांड आई लेकिन मेरे को वहां तक पहुंचने के लिए नौ साल सर्वाइव करने के लिए मैंने पैसा कमाया वो कहां से कमाया अपनी स्किल से क्योंकि जब मैं गुरुजी के पास गया तो एक साल के बाद ही मैं इतना सीख चुका था कि मैं खुद के लड़के तैयार करने लग गया था कहाँ से मैंने पैसा बनाया ठीक है और उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे एड्स वगैरह आती थी मैंने एड्स पे भी पैसा कमाया और आज एक मैं अच्छा यूट्यूबर भी हूँ एक इंस्टाग्राम भी मेरा अच्छा है मेरे पास ब्रांड भी है एक माँ भी प्रो भी हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई भी चीज मतलब करियर नहीं है आने वाला टाइम फिटनेस का ही है जो करियर है ना फिटनेस का ही है लेकिन आपको ये सारी चीजें आपको स्किल्स सीखनी पड़ेगी तो भाई अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो ठीक है बाकी मेरा कोई भी इरादा किसी को नेगेटिव करने का नहीं था और मैं कल इसके ऊपर वीडियो बना के पूरा यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा अभी लाइव है ये मैं लाइव छोड़ दूंगा आप लोग देख लेना बाकी अगर किसी भाई को मेरी बात से कोई कोई भी ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं माफिस आता हूँ ठीक है और बात रही मेरे गेम की प्रोशो है इंडिया में दो प्रोशो होते हैं मैं बाहर तो खेलूंगा ही यहां पे मैंने ये नहीं कहा कि मैं प्रोशो नहीं खेलूंगा प्रोशो खेलूंगा जब मेरे कोच कहेंगे कि हाँ ये वाला गेम करना है तो मैं दिल्ली में भी खेलूंगा ठीक है और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपको मिलता है उसको एक्सेप्ट करना सीखो मेरे से लोग बहुत सारी कॉन्ट्रवर्सी हो जाती है लोग सवाल पूछ लेते हैं ठीक है ना कि जो भी आपको पता ही है यार बहुत सारे सवाल पूछते लोग तो उसकी वजह से कॉन्ट्रोल और मैं बहुत कोशिश करता हूँ इनसे दूर रहने की और कई बार मेरे मुँह से बहुत सारी चीज़ें मान लो गलत निकल जाती है तो मुझे भी रिलाइज होता है कि यार ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए तो भाई आप लोग अपना ध्यान रखो होली का टाइम है मौज करो भाई आज का दिन एंजॉय करो और अपनी गेम करो गेम करने के लिए मना नहीं है लेकिन सबसे पहले जिस दिन आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करना उस दिन से अपनी स्किल्स चालू कर दो सीखना चालू कर दो कोर्स वगैरह करो अपना इंस्टा इंस्टा ग्राम स्ट्रांग करो और पैसा कमाओ और अब हम देखते हैं अनुज सालन भाई ने होली मनाई गरीब के साथ साथ होली तो 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 नहीं खेल लिया चले आज हम होली खेल लेंगे आपके साथ ठीक है सबसे पहले आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है ये पीनट बटर है ठीक है इसको खा देखना ठीक है फिर तो तुम बदलता ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए अभी पहन कर देखोगे में और आपकी विषय में ये मेरी तरफ से होली पे हम होली अभी ले लो और। दोस्तों आप सबको भी मेरी तरफ से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं हैप्पी है होली टू ऑल यू तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा एंड में देखते हैं इंडियन हल्क बादल फिटनेस क्या हमें एंडियन की कॉमन एक्सरसाइज हर कोई करता है ये एक्सरसाइज डाउन बट मोस्टली बच्चे जो है मैंने इसमें देखा गलत करते हैं मालूम होने के बावजूद भी कई एथलीट इसको गलत तरीके से परफॉर्म करते हैं करेक्ट कैसे करोगे आप इसको उसका थोड़ा मैं आपको पोस्चर करेक्ट कर रहा हूं सबसे पहले तो वेट आपने डालना है मैक्सिमम जितना आप डाल सको इसमें जितना आप मार सको हमसे बारह से पंद्रह निकलनी चाहिए पूरा यहाँ जाके लॉक होगा ऊपर यहाँ तक लेके आते हैं आपको पूरा यहाँ तक लेके जाना है ऊपर तक और पूरा नीचे आके इसको यहाँ पर लॉक करना है अकेली एक ऐसी एक्सरसाइज है ट्राइसप्स की जिसमें जॉइंट्स को लॉक किया जाता है बाकी किसी भी एक्सरसाइज में जॉइंट्स को लॉक नहीं किया जाता इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका जो ट्राइसप्स है वो अलग ही निकल के आएगा फॉलो करो इसको थैंक यू